मेरा नाम अशोक भट्टे, मैं राजस्थान सीकर का रहने वाला हूँ। कठपुतलिया काम हमारा खानदानी काम है। ये हमारा पुस्तों से चलता आ रहा कार्यक्रम खानदानी काम है हमारा, जिसे हम अभी तक बना रहे हैं और बनाते आ रहे हैं। हमारे बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। पहले इसके कठपुतली का प्रोग्राम करते थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि उस टाइम पे कोई टीवी सिनेमा नहीं था। सबसे पहले आई थी राम की लीला, जिसे हम रामलीला कहते हैं। रामलीला के बाद में आई नौटंकी, नौटंकी के बाद में हमारा ये कार्यक्रम कठपुतली का प्रोग्राम आया है। कठपुतली का प्रोग्राम ऐसा है जिससे पूरा परिवार देख सकता है इसमें, घर में बैठ के। इसमें कोई ऐसा अश्लील सीन नहीं होता है। इसमें राजा महाराजों की कहानियाँ बताते हैं, ये इस देश का महाराजा है, ये इस देश का महाराजा है। तो ये राजा महाराजों की कहानी पर आधारित ये कार्यक्रम हमारा चलता आ रहा है। और पहले भी पसंद करते थे, काफ़ी टाइम पहले जो बादशाह का जमान था उस टाइम से जो हमारा ये प्रोग्राम चलता आ रहा है, अब भी चल रहा है। अभी भी हमारे देश के लोग तो पसंद करते ही है, देश के बाहर के भी लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं, देश विदेश के भी लोग पसंद करते हैं। तो ये हमारा आइटम कठपुतली का हम बनाते भी हैं और इसका शो भी करते हैं, और ये सेल के लिए भी हम बेचते भी हैं इसके। तो ये बनाते हैं इस तरह से हम, इसका हाथ का काम है पूरा, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है, पूरा लकड़ी का फेस बनाते हैं और ये सिलाई करते हैं। इसमें धागों से तैयार इसके करते हैं हम, धागों से इसमें सिलाई करके और इसको नचाने का मोमेंट डालते हैं इसमें कठपुतली। और ये सारी पपेट हैंडमेड है, और ये सारी पपेट हैंडमेड है। इसमें एलिफेंट है, हाथी घोड़ा, ये भी हम हाथ के बनाते हैं, कपड़े के हाथी घोड़े। ये इससे बच्चों के लिए बोलते हैं हम, बच्चों के सामने ये हैप्पी एलिफेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। ये क्या काम में आता है? ये घर में शोपीस के लिए काम में आता है, घर में लगाने के लिए। अच्छा। ताकि इसको शोपीस लगाते हैं, घर में लगाते हैं टीवी वगैरह अलमारी पे। तो हाथ का काम ही कपड़े का बनाया, रुई कपड़े का बनाया हमने। ये हाथी है, ये घोड़ा है। अच्छा अच्छा। इसमें एक ऊँट भी है इसमें। अच्छा, दिखाइए। ये ऊँट कैमल है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के हम ये बनाते हैं, और मैं और मेरी मिसेज, मेरी फैमिली पूरा, ये मैं और मेरी मिसेज, हम पूरी फैमिली हम ये काम करते हैं, हमारा हाथ का काम है। चलो आप बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं पापेट। हाँ जी, बना के दिखाते हैं। तो ऑल हैंडमेड है ये? हाँ जी, ऑल हैंडमेड है। इसमें कोई मशीन का काम नहीं है, लकड़ी का बना हुआ पापेट है राजस्थान। इसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, जिससे भैरूपिया होता है, एक तरफ से राजा, एक तरफ से रानी। दिखाइएगा ये इस तरह से, जिससे रानी होगी। अच्छा, ये रानी, ये रानी, और ये दूसरी तरफ से इसको राजा, ये राजा भैरूपिया बोलते हैं। ये भैरूपिया, ये भैरूपिया कैरेक्टर बन गया है। इसके अलावा और भी कैरेक्टर होते हैं हमारे पास में, जैसे ये सफेरा हो गया नाग। अच्छा, ये सफेरा, इसे सफेरा कहते हैं, सफेरा बोलते हैं। अच्छा, ये डांस भी होता है इसका? हाँ, ये डांस भी होता है इसका। अच्छा, परफॉर्म भी होता है इसका। अलग अलग मोमेंट्स होते हैं। अच्छा, और इसमें ये अनारकली होती है। ये देखिए, ये आ गई आपके सामने जयपुर से चंदो भाई, आप सभी का वेलकम करने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। चलो, बाजे छे बाजे छे बाजे छे नौपत बाजे महाराज डिगरपुरी का राजा बाजे छे रे बाजे छे। चलो, आपका पापेट का डांस भी देखेंगे, और अभी आप ये बताइए कैसे बनाते हैं इसको पापेट को? हम बनाते हैं, अभी दिखा रहे हैं, ये मेरी मिसेज ये बना रही है। अच्छा, और हम ये पूरी फैमिली बनाते हैं। अच्छा, पूरी फैमिली बनाते हैं। हाँ जी, दिखाइए। सिर्फ एलिफेंट, हॉर्स, कैमल। हाँ जी। अच्छा, और आप इसके अलावा और क्या क्या करते हो?
और इसके अलावा हम कठपुलिया बनाते हैं और ये हाथी घोड़े और लड़िया होती है हमारे पास में जो हैंगिंग होती है डेकोरेशन। अच्छा, डोर हैंगिंग वगैरह। डोर हैंगिंग में जो वर्ड वगैरह की चिड़िया की लड़ी, अच्छा, एलिफेंट की लड़ी जो दरवाजों पे लगाते हैं। अच्छा, गुड लक मानते हैं दरवाजों पे दोनों डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के लिए, अच्छा अच्छा, वो भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, और ये है जो शो करते हैं वाली, वो वाली पपेट है शो में चाहते हैं। ये जो आपने लगा रखी है शो वाली पपेट से? हाँ जी, शो वाली पपेट। तो इसका शो भी देखेंगे हम अभी थोड़ी देर में। अभी इनके अभी इनका मेकिंग का देख रहे हैं अभी, थोड़े कैसे बनाते हैं ये। अच्छा, इसे राजस्थान में क्या कहते हैं, घाघरा कहते हैं ये? इसको राजस्थान में घाघरा बोलते हैं। घाघरा, घाघरा। अच्छा, अलग अलग कपड़े में अलग अलग डिजाइन का हम इसमें कलरफुल में बनाया है राजस्थानी। अच्छा, सभी पॉपिट सब अवेलेबल कलरफुल में दिया हमने, क्योंकि हमारा राजस्थान होता है कलरफुल है। अच्छा, इसमें हर तरह का कलर होता है। अलग अलग कलर में हमने इसमें ये देखिए सब प्ले करने वाली ये डेकोरेशन वाली पॉपिट है। आहा। ये नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ये देखिए इसमें घघरा होता है नचाने का, ये समय में अलग मोमेंट होता है नचाने का। इसमें धागा अलग तरह से डालते हैं। अच्छा अच्छा, हे मकरीना मकरीना मकरीना, हे मकरीना मकरीना मकर, हे मकरीना। तो ये सभी डिफरेंट डिफरेंट की डिजाइन की पपेट होती है और अलग अलग डिफरेंट पे हम सॉन्ग भी देते हैं। अच्छा, ये ट्विन वन, ये डबल में है। अच्छा अच्छा, एक तरफ से ये राजा। हाँ, समझ गए समझ गए, ये राजा रानी। तो आप इन्हें बना के सेल भी करते हैं? हाँ जी, मेन तो हमारा सेल का ये बेचते हैं, काफी बाहर के लोग भी इसे पसंद करते हैं। अच्छा, और एक्सपोर्ट भी होता है हमारा सामान काफी। अच्छा अच्छा, एक्सपोर्ट भी होता है बाहर विदेशों में, इसको काफी डिमांड में खरीदते हैं और काफी लोग पसंद करते हैं, डेकोरेशन के लिए ले आते हैं और ये हमारा सामान चलता बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है। तो चलो थोड़ा आप और ये दिखाइए कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये सुई धागे से इनको सिला जाता है? हाँ जी, कुछ होने पे मटेरियल में क्या कलर करती है कपड़ा। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी के फेस पे कपड़ा चढ़ाते हो आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ऐसे सिलाई की जाती है इन पे? हाँ जी, पूरा हैंडमेड है, पूरा इसमें हाथ से सिलाई वाला काम है। तो आप इसके अलावा शो वगैरह भी करते हो? हाँ जी, इसके अलावा हम शो भी करते हैं और हमने कई फेस्टिवल प्रोग्राम भी करके आए, कई प्रोग्राम मेलों में करते हैं। से ये साड़ी बट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं देखें, दिखाइए दिखाइए। दिखाइए, ये होशियारपुर में हमने किया प्रोग्राम साड़ी बट। अच्छा, ये होशियारपुर का एजेंसी, होशियारपुर पंजाब। हाँ जी, ये सर्फ फेस्टिवल, सर्फ फेस्टिवल में हमने प्रोग्राम किया, वहाँ पर शो करके आए, मिस्टर करके आए, स्टॉल भी मिला हमें। अच्छा अच्छा, मिस्टर अशोक भट्ट कठपुतली। हाँ जी। अच्छा, ये नवंबर 2015 का है? हाँ जी, हाँ जी, सर्टिफिकेट आपका? हाँ जी, ठीक है। और ये नेक्स्ट, जैसे वहाँ पर बोली कठपुतली में नाचो छोटे बादल के संग, ये पंजाब की सरकार जो ये सुखबीर बादल जी, सुखबीर बादल जी उनके साथ में हमारा ये। अच्छा, आप इनके पॉपेट प्ले कर रहे हो? हाँ जी, पॉपेट इनका वेलकम के लिए हम आए थे वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन्होंने हमारा ये फोटो पेपर में, न्यूज़ पेपर में भी आया। अच्छा अच्छा, क्या बोला इन्होंने, उप मुख्यमंत्री ने सर्च मेले में नचाई कठपुतली। अच्छा, इन्होंने भी कठपुतली नचाई आपकी? हाँ जी हाँ जी, हमसे कठपुतली उन्होंने नचाई भी और खुद डांस भी देखा, खुद प्ले की। अच्छा, पटियाला में आपने सर्च में? हाँ जी, बोली कठपुतली में नाचू छोटे बादल के लिए। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। और ये साहित्य कला परिषद की तरफ से हमें अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा, साहित्य कला परिषद जो लोकगीत संगीत का कार्यक्रम करवाते हैं साहित्य कला परिषद में, हाँ, उसके बारे में उसमें हमें पुरस्कार भी दिया और ये सर्टिफिकेट भी दिया। अच्छा, मिस्टर अशोक भट्ट, ये आप ही के? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और ये डीसी हैंडीक्राफ्ट की तरफ से मास्टर कृष्ण फेस्टिवल में हमें इसमें 5,000 का पुरस्कार मिला। अच्छा, जो नेशनल अवार्ड मेला होता है ना उसमें। अच्छा अच्छा, इसमें ये कठपुतली कॉम्पिटिशन में। अच्छा अच्छा, पुरस्कार मिला 5,000 का। अच्छा, आपको मतलब सेकंड प्राइज मिला आपको? हाँ जी, सेकंड प्राइज। अच्छा, डीसीएच की तरफ से ही। अच्छा, डीसीएच की तरफ से ही।
तो ये भी पुरस्कार ये आपका है 2 दिसंबर 2008 का है। 2008 का है, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये संजय अग्रवाल जी ने डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स वालों ने आपको ये दिया। हाँ जी, हाँ जी। ए नाइस, और क्या होगा आपके पास? नेक्स्ट ये है हमारे पास में। अच्छा, ये भी सर्स का ही है? ये सर्स फेस्टिवल का है। ये कौन सा है? अपना अशोक भट्ट जी सर्स पे लुधियाना 2017 का। 2017 ये लुधियाना। अच्छा, हेल्ट पॉल ग्राउंड लुधियाना। आप मतलब वहाँ पर 5 तारीख से लेके 16 अक्टूबर तक? हाँ जी, वहाँ पर आपने किया प्रोग्राम किया, कठपुतली का प्रोग्राम किया, और यहाँ पर ये कठपुतली बना के भी दिखाया, स्टॉल भी मिला हमें। अच्छा, काफी सेल भी वहाँ पर पंजाब में हमारा, काफी माल भी बिका। पसंद किया आपको? बहुत पसंद आया उन लोगों को। और हर साल बुलाते हैं हमें, हर साल बुलाते हैं पंजाब में। हाँ जी, फेस्टिवल फेस्टिवल में हर साल बुलाते हैं हमें, प्रोग्राम भी करवाते हैं और ये स्टॉल भी देते हैं हमें। हमारा माल भी अच्छा बिकता, काफी अच्छा जाता है मेला। और ये दूसरा दिखाइए जरा, ये संगरूर का है। अच्छा अच्छा, ये भी सरस मेला, ये भी आपका ये अशोक भट्ट नाम से? हाँ जी। अच्छा, राजस्थानी, ये संगरूर 2013 का। तो आप वहाँ पर क्या 10-12 दिन के टूर करते हो एवरीडे? हाँ जी, 15 दिन का टूर ये फेस्टिवल है। हर साल आपको हर साल बुलाते हैं। इसमें खाना पीना सब गवर्नमेंट का होता है, रहना सहना सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो आपको अच्छा, और हमें पेमेंट भी करते हैं, वो कलाकार को पेमेंट भी करते हैं पर कलाकार के हिसाब से, 1000 रुपये पर कलाकार के हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। रहने का व्यवस्था उनकी होती है, खाने पीने की सब व्यवस्था उनकी होती है। मेले में स्टॉल फ्री देते हैं हमें, जो सेल होता है वो हमारा खुद का होता है, उसमें कोई गवर्नमेंट का नहीं होता। अच्छा जी, अच्छा, काफ़ी मेला आता है, हर साल जाते हैं, बुलाते हैं हमें ये। चलो इनकी तरफ देखते हैं। आपका नाम क्या है? नाम सुनीता है। आपका नाम सुनीता है। आप क्या कर रहे हो? पापेट बना रहे हो? अच्छा, पापेट के कपड़े सिल रहे हो आप? अच्छा, बनाइए। और क्या क्या आइटम है आपके पास देखते ज़रा? ये अलग अलग वैरायटी की पापेट्स है। अच्छा, अभी बना रहे हो उनको, कुछ थोड़ा अनभर के ही। और ये क्या है? ये एलिफेंट कैमल है, ये हॉर्स है, हैंडमेड है पूरा। एलिफेंट भी है इधर। डेकोरेशन के लिए टाइम आता है? डेकोरेशन के लिए? हाँ जी, डेकोरेशन के लिए काम आता है, ये डेकोरेशन के लिए काम आता है, घर में सजाने के लिए। इसमें बच्चे भी खेल सकते हैं, बच्चों के लिए भी ये आइटम है, बच्चे भी टॉयज के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और सॉफ्ट आइटम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि खराब होने वाली चीज़ है, ये आपका काम है। अच्छा, दिवाली दिवाली टाइम पे आपका है? दिवाली टाइम पे बहुत अच्छा बिकता, तो वैसे एनी टाइम है हमारा आइटम, क्योंकि डेकोरेशन आइटम है, लेकिन दिवाली टाइम पे कुछ ज़्यादा बिकता है, क्योंकि ये सजाने का आइटम है, सजावट का। अच्छा, लोग बाग इसे मतलब गिफ्ट के तौर पे भी लेते हैं? गिफ्ट के लिए भी ले आते हैं। अच्छा, गिफ्ट करने के लिए ले आते हैं लोग, शादियों में, बर्थडे पार्टी में भी काफी ले आते हैं। डेकोरेशन के लिए पपेट वगैरह ले आते हैं, तो हमारा आइटम तो चलता रहता है हमारा। और मतलब आप ये राजस्थानी प्रोडक्ट, ये जैसे पपेट्स वगैरह बनाते हो, और इसके अलावा क्या करते हो आप? राजस्थानी पपेट ये बनाते हैं, हम शो भी करते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या शो करते हो आप थोड़ा बताओगे? कठपुतली का प्रोग्राम करते हैं, कठपुतली का शो करते हैं। अच्छा, और ढोल प्लेयर करते हैं? ढोल प्लेयर करते हैं, जो शादी ब्याह में ढोल वगैरह, वेडिंग टाइम ढोल टाइम पे। हाँ जी, शादी ब्याह में, बर्थडे पार्टी टाइम पे। अच्छा, ढोल कठपुतली का प्रोग्राम, कालबेलिया डांस जो हमारा नृत्य होता है राजस्थान का फेमस। अच्छा, 4 लेडीज की होती है, कालबेलिया नृत्य करती है। अच्छा, वो ग्रुप भी हमारे पास में। और कच्ची घोड़ी डांस होता है, घोड़े के अंदर आदमी पहन के डांस करता रहता है, परफॉर्म। अच्छा, वो है। और अपना ये वेलकम पुतले होते हैं बड़े वाले, इसके अंदर आदमी पूरा पहन के और मेलों में घूमता रहता है, ढोल बजता रहता है, डांस करता है उसके साथ में, और वेलकम करता है ये गेस्ट। अच्छा, आइटम है हमारे पास में, इससे राजस्थानी पूरा ग्रुप है, पूरा थीम है मेरी तरफ। अच्छा, आप इसके अलावा शो वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, शो भी करते हैं इसके अलावा हम, कठपुतली का प्रोग्राम मेन तो हमारा खानदानी शो ही तो है। कठपुतली का प्रोग्राम जो पहले शो ही करते थे हमारे बुजुर्ग, कहते हैं कि पहले शो करते थे, पहले कोई टीवी सिनेमा कुछ ही नहीं था, केवल पूजा कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो हमारा ये कठपुतली का प्रोग्राम ही चलता था उस टाइम। सबसे पहले रामलीला, उसके बाद में नौटंकी, नौटंकी के बाद में हमारा ये कठपुतली का नृत्य। अच्छा अच्छा, तो अशोक जी आपसे जैसे कोई हम सामान लेना चाहे तो किसके थ्रू ही हमें सामान मिलेगा, कौन सी साइट पे? अच्छा, वो शॉपिंग कार्ट। हाँ, शॉपिंग कार्ट 24 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट चाहिए, हमको परफॉर्म वगैरह करवानी हो। अच्छा, उस पे आपको ये सामान भी मिलेगा, और परफॉर्म के लिए अगर आपको करवाना परफॉर्म तो वो भी आपको। अच्छा, तो आप ये बताइए आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं जो बनाए हुए हैं? हमारे पास ये सारे जो हम बनाते हैं
ये हाथ का काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, हमें टाइम लेना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि ये तो अभी हम देख पा रहे हैं आपके पास अभी पापेट है। हाँ जी। और इसके अलावा क्या क्या होता है? इसके अलावा कठपुलिया होती है, छोटे साइज में होती है, बड़े साइज में होती है। अच्छा, जैसा भी साइज आप बताएं, पार्टी की डिमांड है, हर साइज की पापेट बनाते हैं हम, 7-7 फीट की पापेट बनाते हैं हम, छोटे स्मॉल साइज की जो होती है वो पापेट बनाते हैं। ये देखिए छोटा साइज, इसमें अभी कपड़ा लगेगा। अच्छा, कम्प्लीट है अभी? अच्छा, ये भी कम्प्लीट नहीं है, इसमें घघरा पहनाएंगे हम, अभी बनार तैयार कर रहे हैं। अच्छा। छोटा साइज है, इससे फिर मीडियम साइज बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमारे पास हर तरह के साइज बनाते हैं हम कठपुली में। अच्छा अच्छा। कठपुली में तो जैसे भी पार्टी की डिमांड करती है हमें साइज का चाहिए, वो इसमें रेंज भी अलग अलग होते हैं सबके पापेट के। अच्छा, पापेट के अलावा आपके पास जैसे डोर हैंगिंग वगैरह होती है? हाँ जी, हाँ जी, वो भी है डोर हैंगिंग। कैसे? जैसे कि डोर हैंगिंग में जैसे हमारे पास वो लड़ियाँ होती है एलिफेंट की। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब बर्ड स्टिंग होती है? हाँ जी, बर्ड की होती है, चिड़िया की, चिड़िया की लड़िया होती है, और हाथी के एलिफेंट की होती है, कैमल की होती है। अच्छा, वो दरवाजे के आगे लगाते हैं, गोल झूमर, बंदर वगैरह, बंदर वार वगैरह होते हैं जी, सब आपके पास मतलब बनाते हैं। डेकोरेशन का ऑल आइटम मिलेगा? हाँ जी, ये ऑल राजस्थानी आइटम सब बेचने के लिए हम। अच्छा, ये आप अपनी शॉप पे लगाते हैं? हाँ जी, शॉप पे लगाते हैं ताकि गेस्ट देखे, शो भी करते हो। और ये कई लोग तो सोचते हैं कि शोपीस के लिए होती है, तो इसलिए लगाते हैं हम ताकि बेचने के लिए भी। अच्छा। उनको पता रहता है कि बिकाऊ भी, बाहर के गेस्ट होते हैं वो काफी खरीदने वाले भी होते हैं ना, वो भी सोचते हैं कि बिकाऊ है नहीं, तो ये लगाते हैं, तो वो खरीदते जान पूछ के कि बिकाऊ है। अच्छा, शॉप वगैरह? शॉप वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये देखते हैं क्या बना रहे हैं। वो भी दिखाएंगे अभी आपको, कठपुली का प्रोग्राम भी दिखाएंगे। अच्छा, अभी आप शो दिखाओगे हमें पपेट का? हाँ जी, अभी आपको थोड़ा मेकिंग करके दिखा रहे हैं, थोड़ा बना दीजिए। हाँ जी, बना के दिखा रहे हैं, इसके बाद में शो भी दिखाएंगे आपको कठपुली। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स वगैरह है। और ये जो नीचे पड़ी है पापेट, ये तो कंप्लीट है आई थिंक? हाँ, ये कंप्लीट करके हमने, कुछ अनकंप्लीट है वो तैयार करके दिखा रहे। अच्छा, माल तैयार रखना पड़ता हमें। अच्छा, पार्टी कब डिमांड कर ले, कब मांग ले, तो इसलिए थोड़ा बना बना के रखते हैं हम घर पे, नहीं टाइम खाकर टाइम पे होता तो सामान बना बना के। जरा आप हमें ये लड़ी वगैरह दिखा। डोर हैंगिंग है। अच्छा, ये वाली होती है? ये दरवाजे पे लगाते हैं हम। अच्छा, जरा दिखाइए, ये देखिए। अच्छा, पूरा कलरफुल है ये। ये किस चीज की लड़ी है? एलिफेंट की? ये एलिफेंट की लड़ी है, ये दरवाजे पे दोनों साइड में लगाते हैं इस तरह से। अच्छा, नीचे बेल्ट दे रखी हमने इसमें, ये वुडन बीट्स है इसमें। इसे डोर पे लगाते हैं और कहीं भी लगाते हैं? डोर पे भी लगा सकते हैं, वॉल हैंगिंग कर सकते हो, वॉल हैंगिंग। अच्छा, कहीं पे भी कर सकते हैं हम इसको, डेकोरेशन आइटम है। डेकोरेशन भी। और जो पापीट होती है हमारी, पापीट ये टॉयलेट बाथरूम के आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा। इसको हम, अच्छा, इसको हम टॉयलेट बाथरूम के आगे नहीं लगा सकते पपेट को। पपेट को लड़ी है, क्योंकि हमारा राजस्थानी आइटम है। अच्छा, हम इसको राजस्थान में पूजा करते हैं, भवानी बोलते हैं इसको। तो इस किन कठपुलियों को, जैसे आजकल क्या करते हैं कि मुखड़ी के टाइम में टॉयलेट बाथरूम में लगाते हैं लेडीज जेंट्स का, तो उस पर हम ये नहीं लगाने के लिए दे देते, क्योंकि हम इसकी पूजा करते हैं, भवानी बोलते हैं इसको कठपुली को। अच्छा, प्लीज इसको टॉयलेट के आगे यूज ना करें, इसको घर में हो कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, इसको घर में, डोर पे, ड्राइंग रूम में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब है कि टॉयलेट के आगे नहीं लगाते हैं, घर के, घर में कहीं भी लगाइए पापेट। गुड लक पापेट होती है शो के लिए। पापेट शुभ होती है। अच्छा, लगाने से शुभ होता है, ये भवानी की पूजा है, जिस घर में लगती है ना उसमें काफी खुशियाँ आती है। अच्छा, इसे गुड लक माना गया है राजस्थान में आपके? हाँ जी, पापेट को राजस्थान की गुड लक होती है। डेकोरेशन पापेट, ये लड़िया है। तो मतलब जो कोई कोई खरीदता है इन पापेट को, तो मतलब इसे डेकोरेशन के लिए इसको प्ले भी कर सकता है क्या कोई खरीदने वाला? प्ले भी कर सकते हैं, क्योंकि प्ले वाली डिफरेंट होती है पापेट, इसमें कठपुली में डिफरेंट डिफरेंट पापेट होती है। तो ये जो, तो जरा आप जैसे कोई खरीदेगा पापेट तो उसको कैसे प्ले कर सकता है, थोड़ा बता सकते हो आप हमें? जैसे ये सेलिंग के लिए है हमारे पास। अच्छा, ये सेलिंग पापेट है। अच्छा, नॉर्मल ये 2 रुपये बोलते हैं इसको। अच्छा, ये एक तरफ से राजा हो गया। अच्छा, ये बच्चे काफी पसंद करते हैं कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा एक ही पापेट ले लो, दो का क्या करोगे, तो बच्चे बोलते हैं कि हमें 2 पापेट चाहिए, राजा रानी 2 चाहिए। तो उनके घर में जगह, आजकल जगह की थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी जगह की दिक्कत होती है लगाने की,
तो इस पे इसकी वजह से तो हमने एक के अंदर दो बना दिए पापिट, ताकि बच्चे भी खुश रहे, उनके पेरेंट्स भी खुश रहे। तो एक तरफ से ये राजा और ये दूसरी तरफ से रानी, रानी। तो बच्चों को ये काफी पसंद आता है ये। तो इसको डांस कैसे कराया जाता है? इस तरह से साइकिल पंचर कर लियो, चलो। आपने बनाई पापिट, दिखाइए कैसी बनी आपने। अच्छा, आपने इस पापिट को लगा पिना दिया। अच्छा, ये पापिट ऐसे बनाते हैं। अभी इसमें गोटा लगेगा, जरी गोटा लगेगा इसमें भी, और काफी अभी ठीक है। और आप अब हमें थोड़ा पापिट शो करके दिखा सकते हो? हाँ जी, पापिट शो भी करके दिखा दीजिए। दिखाइए, तो आप हमें थोड़ा पापेट शो दिखा दीजिए तो बेस्ट होगा। चलो, तो कौन से पापेट नचाएंगे आप? दिखाइए आप कैसे पापेट बनाते हैं, आप जितनी देर दिखाइए। अच्छा, ऐसे पपेट बनाते हो आप? काफी कलरफुल लग रहे हैं ये सब आइटम के, हैंडमेड है पूरे। अच्छा, तो आप अशोक जी, आप रेडी हो पापिट प्ले करने के लिए? अच्छा, ये आपकी पापिट वाली शो वाली पापिट है, इसे हम शो करते हैं। अच्छा अच्छा, वो वाली पापिट है। तो इसमें आपको पहले, सबसे पहले ये आ गई राजस्थान से चंदो भाई। अच्छा, आप सबके वेलकम के लिए। अच्छा, ये देखिए, ये नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा, तो आप इसका डांस दिखाइए प्लीज हमें थोड़ा। अच्छा, बहुत बढ़िया डांस कराया आपने पापेट का। लग रहा नहीं था कि आप डांस करा रहे हो उसको, ऐसे लग रहा खुद नाच रही पापेट। अच्छा, दूसरा आप करेक्टर दिखा दीजिए थोड़ा। सफेरा दिखाइए आप दूसरा करेक्टर को। और आपकी, आप भी पापेट बनाने में लगे हों, दिखाइए कैसी बन रही आपकी पापेट थोड़ा। अच्छा, सिलाई हो रही है पापेट की। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, अशोक जी पपेट दूसरा प्ले करने जा रहे हैं आपके सामने ये। अच्छा, देखते हैं। अच्छा, ये दूसरा करेक्टर तैयार हो रहा है आपको पपेट शो दिखाने के लिए। तो इस करेक्टर को क्या कहते हैं थोड़ा ज़रा बताइए हमें। इस करेक्टर को क्या कहते हैं अशोक जी? सफेरा बोलते हैं हम, जो की सफेरा, जो की चंपा। अच्छा, जो की चूड़ा, चूड़ा भी, चूड़ा देखो भी, चूड़ा भी, चूड़ा भी, चूड़ा के डस गयो पापी भी, चूड़ा के डस गयो पापी भी, चूड़ा, चूड़ा भी, चूड़ा देखो भी, चूड़ा भी, चूड़ा देखो भी, चूड़ा भी, चूड़ा भी, चूड़ा।
साहब ने काट खाया। ले अपने उस्ताद का नाम और तैयार हो जा जोगी चंपा नाथ। ये जोगी चंपा नाथ का जहर वापस लेने जा रहा है साहब, एक तरह से ले। बात है, पपेट शो देख के मजा आ गया आपका। अच्छा, और आपकी पपेट बनी दिखाइए जरा हमें थोड़ी पपेट। अच्छा, ये आपकी पपेट भी बन गई। अच्छा, अब जरा हमें थोड़ा बता दीजिए, आप ये जैसे भी आपके पास प्रोडक्ट है लड़िया वगैरह दिखाए अपने, एक बार दोबारा लड़ी दिखाइए हमें जरा। अच्छा, ये आपकी लड़ी है। ये लड़ी है दरवाजे पे लगाने के लिए, वॉल हैंगिंग, डोर हैंगिंग, कहीं भी मतलब इसको लगा सकते हैं। तो अशोक जी, आप इनको हम बाय करें तो, जैसे हम इनको खरीदना हो तो किससे कांटेक्ट करें हम? इसको खरीदने के लिए आपको मैंने बताया ना। अच्छा, शॉपिंग कार्ट 24 से। हाँ जी, शॉपिंग कार्ट 24 से आप इसको खरीद सकते हो। अच्छा, आपको संपर्क करिए, शॉपिंग कार्ट 24 से संपर्क करिए। अच्छा, एनी टाइम आप कॉल करिए। अच्छा, और ये हमारा हाथ का काम है, हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हमारा हाथ का काम है, खुद का काम है, इसमें कोई मशीन का काम नहीं है। अच्छा, जरा मैं थोड़ा और बता दीजिए क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं? ये इनसे हम बताया कि ये हाथ का काम होता है, इसमें बनाने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है हमें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बना के रखते हैं, तैयार करके रखते हैं। पार्टी मांग ले, किस टाइम पे ऑर्डर आ जाए, तो हम ये कार्य घर बैठे बैठे अपना ये काम है, हमारा कोई नौकरी पूरी नहीं है, ये हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हम बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हो आप बताइए? पपेट बनाते हो? ये कठपुतलिया बनाते हैं हम, राजस्थानी कठपुतलिया हो गई, हाथी घोड़े हो गए। तो आपके पास पपेट में हर एक साइज मिल जाएगा? हर एक साइज, ये दिखाया आपने, ये छोटा साइज बना है, सबसे छोटा साइज। अच्छा, ये छोटा साइज बन गया, छोटा मिनी पपेट चाहिए स्मॉल साइज में। इसमें फिर बड़ा साइज बनता है, ये मीडियम साइज में हो गया, इससे मीडियम साइज हो गया ये। अच्छा, ये जोड़ी हो गई, ज्यादा मीडियम साइज ही आपका ज्यादा सेल होता है? ये मीडियम साइज है। अच्छा, ये मतलब ज्यादा बड़ा ना छोटा, मतलब इस पार्टी पीटी पर बड़े बड़े भी खरीदते हैं, जो पसंद करते हैं, शोरूम के आगे 7 फीट की पपेट भी बनवाते हैं, शोरूम के आगे लगाने के लोग, घर के आगे लगाने के लिए 7 फीट की भी मांगते हैं वेलकम पपेट। तो जैसे चॉइस होती है, वैसे हम कारीगर आदमी जैसा बोलेंगे वैसा बना देंगे, तो हमारा काम ही है बनाने का। पपेट वगैरह सब मिल जाएगा? हाथी घोड़े कितने कितने साइज के मिल जाएगा आपके पास? अभी तो ये 7 इंच का है, 7 इंच का, 7 इंच का है। और इसमें आप साइज बताएं, इसमें बड़ा साइज होता है अपना, इसमें अपना सॉरी 6 फुट का, 7 फुट का भी बना देंगे। अच्छा, और इसमें अपना छोटे, जैसे इसमें छोटा छोटा एलिमेंट केमल हो जाए, छोटे में ये ना जैसे छोटा बनाया हमने। अच्छा, ये सेपरेट पीसेस भी मिल जाएंगे हमें? सेपरेट भी मिलेंगे इसमें। अच्छा, मिलेगा साइज इसमें, आप बताया मैंने हर साइज बना सकते हैं। अभी इस साइज में आपको कैमल, ये सबसे छोटा साइज है। अच्छा, ये मीडियम है, इसमें आपको ये जैसे ऊंट बनाया ऐसे ऊंट भी बना के दिखा देंगे साइज में। हाथी भी, ये हाथी तो है ही, हाथी है, घोड़ा भी है, सब अलग अलग ये बना के हम दिखा देंगे। तो आपकी पापेट बन गई? दागवान, चलो आपकी पापेट भी बन गई, दिखाइए हमें आपकी पापेट कैसे तैयार हुई। नचाने वाली पपेट से आपकी, बाकी अच्छा, ये आपकी पपेट रेडी हो गई। तो आप ऐसे बनाते हो हैंडमेड पपेट? हैंडमेड पपेट, दिखाइए। ये सबसे छोटा साइज पपेट, ठीक है। आपने ये पपेट भी बना के दिखा दिया हमें। अच्छा, ये छोटे पपेट हैं, ये भी आपने बना के दिखा दिया। चलो ठीक है अशोक जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बार आप दोबारा बता दीजिए, आपसे ये सामान लेना हो तो किस पे कॉन्टेक्ट करें आपसे? सामान आपको चाहिए शॉपिंग कार्ड 24 पे, आप इस पे कॉन्टेक्ट करिए, ताकि आपको ये सामान कोई भी चाहिए, परफॉर्म वगैरह कितना भी आप कितना भी स्टॉक चाहिए मिल जाएगा। हाँ, आपके पास अवेलेबल होगा? हाँ जी, हर तरह का सामान हमारे पास, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट का डेकोरेशन आइटम आपको मिलेगा। शॉपिंग कार्ड 24 पे आप कॉन्टेक्ट करिए, उस पर आपको मिलेगा सारा सामान। चलो, हमारा हाथ का काम है और आप काम दीजिए हमें।
ठीक है, तो अशोक जी से आपसे बात करके हमें अच्छा लगा और आपसे भी अच्छा लगा, आपने पापड़ बनाई। नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया आपका जो हमें अपना कीमती समय दिया और हमें हमारी कलाकारी दिखाने का मौका दिया, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, ओके।